मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर लगभग 500 लाख लोगों ने लगाई संगम में डुबकी। प्रयागराज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मोक्षदायिनी माँ गंगा के संगम तट पर शनिवार को लगभग 500 लाख लोग गंगा में डुबकी लगाए और स्नान कर पुण्य के भागीदार बने। मेले में आए लोगों को किसी भी प्रकार की गंगा स्नान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर सफाई व्यवस्था और औरतों को कपड़ा बदलने का सुलभ स्थान, जगह जगह कोविड की व्यवस्था को देखते हुए कोविड डेस्क भी बनाया गया था, जहां पर मास्क का वितरण भी मेले आए हुए लोगों को किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते देखे गए। वहीं किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं व स्नानार्थियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं मेला क्षेत्र में गरीब तबके के भिखारियों को भी भिक्षा मांगते कतारों में बैठे भिक्षा मांगते रहे। संस्थाओं द्वारा प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का भी वितरण किया गया। मकर संक्रांति का त्योहार शनिवार रविवार दो दिन पड़ने के कारण शनिवार की अपेक्षा रविवार को ज्यादा भीड़ होने की संभावना बताई जा रही है। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, संवाददाता राजेंद्र पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। नगरी में आज चुकी मीडिया टीम आई हुई है और हमारे यहाँ पुलिस मित्र के रूप में तैनात हैं पदाधिकारीगण। मैं उनसे चाहता हूँ कि संगम नगरी में जो आज मकर संक्रांति की पावन पर्व में व्यवस्थाएं की गई उसके बारे में और मकर संक्रांति में क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये है कि आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति का दिन है और इसको हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। खिचड़ी के त्यौहार भी बहुत बताते हैं यहाँ के। और संगम नगरी ये आपके यहाँ पे गंगा स्थल पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं, इसको बहुत अच्छा ही समझते हैं। जो दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ से, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। वैसे तो लोग लोकल लोग यहाँ पे कम आए हैं, बाहर के लोग ज़्यादा आए हुए हैं। हमारी एसपीओ टीम कल रात से ही लगी हुई पूरी ताकत के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए और भी चीज़ों के लिए जो भी कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, हमारी एसपीओ टीम पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए देख रही है। किसी की ऐसी भी कोई घटना भी ना करने पाए, ना कोई ऐसा संदेश जाने पाए बाहर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर साफ सफाई भी बहुत व्यवस्था अच्छा है, कुशल है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे और सालों के अपेक्षा में इस साल भी ज़्यादा अच्छा व्यवस्था है। छोटा नहान है और लोकल नहान की व्यवस्था में तो यहाँ पे व्यवस्था ठीक ठाक है, कोई ऐसी समस्या समझ में आ नहीं रही है। अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ स्नान कर चुके होंगे? जो मुझे अनुमान है, मैं ये समझ रहा हूँ कम से कम 6-7 लाख तो श्रद्धालु स्नान कर ही चुके होंगे। जो इस वक्त तकरीबन 12:30 बज रहा है, हो सकता है शाम तक में करोड़ों के उसमें स्नान कर लेंगे। लोकल कल भी इसका स्नान रहेगा, पूरी तरीके से लोग कल स्नान करेंगे, ये हाँ कल भी स्नान होगा। इसलिए आज लग रहा है ऐसा कि कम स्नान कर रहे हैं, कल ज्यादा स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं से आप लोग बढ़िया हैं, संतुष्ट हैं? जी जी, बिल्कुल तरीके प्रशासन पूरा व्यवस्था दुरुस्त है और हमारे यहाँ के जो भी SDM साहब हैं और DM साहब हैं और अपने यहाँ पुलिस आपकी SPO टीम को भी यहाँ लगाया गया है सुरक्षा निगरानी करने में और व्यवस्थाओं को। हाँ, तमाम अच्छे संस्थान। आप लोगों को क्या व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा मिली है? प्रशासन द्वारा हम लोग जो व्यवस्थाएं बस ये लगा दिया गया, आदेश हो गया, हम लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, बस यही हमको वो है और कुछ हमको प्रशासन से कोई। आपकी टीम में कितने लोग हैं रेल घाट पर? हमारे टीम के जो हमारे SPO टीम के लोग हैं इस वक्त मौजूदा हालत में 40 से 50 लोग हैं, बाकी और अदर संस्था के लोग लगे हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मुझे अकरामुल्ला और गुड्डू कहते हैं। और तमाम हमारे ऐसे मीडिया पर हमारे मेला प्रभारी जी हैं, शेख लियाकत अली जी हैं और हमारे थाना प्रभारी वो हैं और राम जी जायसवाल हमारे ये मीडिया वो हैं, ठीक है। इंचार्ज और भी हमारे टीम के लोग लगे हुए हैं पूरी तरीके से और हर साल की तरह इस साल भी लगे हुए हैं। और हर पर्व में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म जाति मजहब के पर्व पे हमारे SPO टीम के लोग लगते हैं। देखिए थाने की या प्रशासन की जो भी व्यवस्था है इस मेला क्षेत्र के अंदर में अरेल जो पूरा क्षेत्र हमारा है, प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्थाएं पूर्व से लेके और अभी भी।